नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर से। बड़ी खबर जुड़ी है कल होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक को। आपको बता दें कल सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में बोर्ड नियमों की कार्य प्रणाली पर बैठक में चर्चा होगी। खबर है कि इस बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल कई बड़े फैसले ले सकते हैं। बाकायदा बैठक में तमाम अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कल मनोहर लाल बैठक करने वाले हैं, 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। सीएम मनोहर लाल ले सकते हैं कई बड़े फैसले इस बैठक में। सभी लोगों की नजर इस बैठक को लेकर है और बैठक में खुद मौजूद रहेंगे सीएम मनोहर लाल। कई बड़े फैसले ले सकते हैं लाल, और आपको बता दें बाकायदा बैठक में तमाम अधिकारी भी मौजूद रहेंगे होने वाली बैठक में। तो ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। कल सुबह 11 बजे होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे। कई महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी। 11 बजे हरियाणा निवास में ये बैठक होने जा रही है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप शर्मा स्टेट हेड हरियाणा से लाइव। संदीप, क्या कुछ अहम जानकारी निकल के आ रही है कल होने वाली 11 बजे की बैठक को लेकर? जी देखिए, कल जो है चंडीगढ़ हरियाणा निवास स्थित जो हरियाणा निवास है मुख्यमंत्री का जो कार्यालय, वहां पर एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है, जिसमें सभी बोर्ड और निगमों के जो चेयरमैन है उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। अगर बात करें इस बैठक के बारे में, ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बैठक में जो है कार्य समीक्षा प्रणाली की जो है चर्चा होगी। बेसिकली ये इस बैठक के अंदर ये चर्चा में ये चीज रहेगी कि कितने कार्य जो योजनाएं थी जनता को लेकर, वो कितने कार्य जो है संपन्न हो चुके, कितने अधूरे हैं, और आगे के जो अधूरे कार्य हैं जो भी हैं वो किस प्रकार से उनको संपन्न करने के लिए जो कार्यकारिणी बनाई गई है निगमों बोर्डों के चेयरमैन द्वारा, उसके बारे में चर्चा होगी। मैं आपको बता दूं, विशेष तौर पर जो मुख्यमंत्री जो है जनता के कार्यों के लिए विशेष रुचि रखते हैं। वैसे तो ये डिपार्टमेंट जो है सुभाष बराला जी को के अधीन आता है, लेकिन निगमों और सभी चेयरमैन के जो बोर्डों के जो चेयरमैन है उनको इसलिए बुलाया गया है कि इसकी समीक्षा होगी इस कार्य प्रणाली के बारे में। संदीप, मैं आपसे जानना चाहता हूं कौन कौन से अधिकारी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल होंगे। जी, इसके अंदर देखिए, वैसे तो ये जो बैठक है जो बुलाई गई है इसका, इसके अंदर जो है जितने भी जो हरियाणा में जो बोर्ड बनाए गए हैं जनता की भलाई कार्यों के लिए, और जो निगम के जो चेयरमैन है विशेष तौर पर तो वही आमंत्रित है, पर इसके साथ साथ जो सूचना मिल रही है उसमें जिला अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है। संदीप, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं जिला अधिकारी हैं, तमाम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की जाएगी, ये बैठक हरियाणा प्रदेश के लिए कितनी लाभकारी साबित हो सकती है? कौन सी परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा गहन जिसमें बैठक में किया जाएगा? देखिए, इसके अंदर जो है जो विशेष चर्चा है वो निगमों के ऊपर विशेष तौर पे जो है मुख्यमंत्री का ध्यान जो है गया है, और जो निगमों में जो जितने भी योजनाएं जो है अभी पेंडिंग चल रही है, और जिन योजनाओं के तहत जो फंड्स वगैरह सब जारी कर चुके हैं उनके जो कार्य है जो कितने प्रतिशत जो है वो संपन्न हो गए हैं, विशेष तौर पर तो उनकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार की जाएगी, और जो अधूरे कार्य हैं उनको किस प्रकार से उनको कितनी जल्दी अमल में लाया जाएगा, इस विशेष तौर पर उन चेयरमैन के साथ ये जो है डिस्कस होगा इस मीटिंग के दौरान, और जो है जितने भी बोर्ड है उनके अधिकारियों के साथ साथ डीसी को भी आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में जो भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा किया जाए। तो इस बैठक में जो चर्चा होने वाली है वो इसी प्रकार से होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। वहीं सीएम मनोहर लाल ने एशियन गेम्स में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि खेलों में स्वर्णिम भारत, हैशटैग एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में शानदार जीत हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले भारतीय निशानबाज शिवा नरवाल, सरबजोत सिंह और अर्जुन सिंह चीमा को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। हम सभी आप पर गर्व है और ईश्वर आपको इस स्वर्णिम सफर को जारी रखे। आपको बता दें एशियन गेम्स में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में सरबजोत सिंह, शिवा नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा शामिल थे। इन खिलाड़ियों ने फाइनल राउंड में कमाल कर खेल दिखाया और सोने तमगे पर निशाना साध दिया।
वहीं उससे पहले भी सीएम मनोहर लाल ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में मनु भाकर और रिद्धम संगवाण और ईशा सिंह ने जो स्वर्ण पदक अपने नाम लिया किया उसको लेकर भी बधाई दी। सीएम ने कहा कि इन बेटियों ने देश प्रदेश को गौरवान्वित किया है, आप सभी अपने खेल कौशल से देश का परचम विश्व पटल पर लहराती रहें, आपके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं। हरियाणा की मंडियों में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लेकिन सरकार ने अब 25 सितंबर से सरकारी खरीद का ऐलान किया, जबकि अभी मंडी में कोई भी तैयारी नहीं है। किसान अपनी धान की फसल को लेकर मंडी में आ रहे हैं और सरकार द्वारा फसल पहले खरीदने पर किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मंडी प्रशासन का कहना है कि मंडी में सभी व्यवस्था दुरुस्त है और सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, गेट पास भी कट रहे हैं। हरियाणा के किसानों के हित में कदम उठाती मनोहर सरकार ने एक बार फिर किसानों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर किसान बेहद खुश हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनोहर सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए 25 सितंबर से खरीद शुरू कर दी, यानी जिस सरकारी खरीद की शुरुआत 1 अक्टूबर से होनी थी उसे सरकार ने किसानों की समस्याओं को देखते हुए 25 सितंबर से शुरू कर दिया। सरकार के इस फैसले के बाद अब किसान गेट पास के जरिए किसान मंडी में अपनी फसल ला रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार ने धान की फसल को पहले खरीदने के फैसले में वे काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी बाढ़ से पहले लगाई गई फसल पहले ही पक चुकी है, जिसे लेकर वे मंडी में आए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी फसल पोर्टल द्वारा ही खरीदी जा रही है और आढ़तियों की कमीशन भी उन्हें मिल रही है। मंडी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, मैं धान की फसल लेके आया हूँ, गेट पास वगैरह कटा लिया, बहुत बढ़िया हुआ। 1 अक्टूबर से शुरुआत होने की, हाँ पहले कर दी, बहुत बहुत मेहरबानी सरकार की। जबकि सरकार हर साल पहली तरीक से शुरुआत करती है, लेकिन अब की बार 25 तरीक से शुरू कर दिया, ये सरकार का बहुत बहुत मेहरबानी है जी, जो इतनी जल्दी शुरू कर दी, जिम्मेदारों को कोई दिक्कत ना आ जाए। आपके हमारे खाते में, हाँ खुश हैं जी। शाहपुर में धान की फसल लेके आया हूँ, यहाँ पे सही काम चल रहा है, मैंने अपना गेट पास कटवाया है और अब जा रहा हूँ मैं आज ही मंडी में। मान ले जी वैसे तो इस खरीद नु करे थे 25 तरीक से खरीद है जी, बहुत अच्छी बात है जी, टाइम से पहले जी आज यहाँ ये ट्रेली खड़ी इधर पास, बिल्कुल बढ़िया कट रहा है सर। वही मंडी प्रशासन का कहना है कि सरकार धान की फसल 1 अक्टूबर से शुरू करती है, लेकिन फसल मंडी में 15 सितंबर से ही आनी शुरू होती है, इसलिए सरकार ने इस बार 25 सितंबर से ही खरीद शुरू करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि कल से खरीद शुरू हो गई थी, लेकिन अब सरकारी एजेंसियां खरीद शुरू कर रही हैं। जैसे कि हमारा सीजन नॉर्मली जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होता है, लेकिन आवक पहले ही स्टार्ट हो जाती है, लगभग 15 सितंबर से जीरी की आवक शुरू हो जाती है। इसलिए इस चीज का संज्ञान लेते हुए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि 25 सितंबर से ही अब की बार हम खरीद स्टार्ट कर रहे हैं। तो गेट के पास, गेट के जो गेट पास कटते हैं उसकी प्रक्रिया बिल्कुल स्मूथ चल रही है और आज से हमारी मंडी में परचेज स्टार्ट हो रही है। हालांकि कल हो गई थी स्टार्ट, लेकिन कुछ परचेज एजेंसियां जो है ना कल शाम तक अपने इंतजाम नहीं कर पाई थी, इसलिए आज सवेरे से स्टार्ट कर रही हैं। यहाँ पर एक हैफेड है और एक डीएफएससी है। किस तरह से क्या प्रक्रिया, कितने गेट पास कैसे आवक? लगभग यहाँ पर 315 के आसपास गेट पास कट चुके हैं और ऑनलाइन जो प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 40,000 क्विंटल आवक हो चुकी है। उम्मीद अब की बार जैसा कि कुछ फसल को डैमेज हुआ तो लगता है कि 3 लाख क्विंटल के आसपास आने की उम्मीद है, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने की आशंका भी है कि जैसे कुछ फसल जो है ना लेट लगी थी। इस तरह से
नहीं, जो जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ही ये प्रावधान किए हुए हैं कि जो पेमेंट है किसानों के खाते में डायरेक्ट जाएगी, और जो जैसे लेबर चार्जेज हैं या आरती के जो कमीशन चार्जेज हैं वो आरती के खाते में जाते हैं। ये जो है पिछले सालों से, कई सालों से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। किसानों के लिए तत्पर मनोहर सरकार के कदम यकीनन हरियाणा के किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए काम जरूर करेंगे, क्योंकि 1 अक्टूबर से पहले 25 सितंबर से खरीद शुरू होने से सैकड़ों किसानों को सीधा इसका लाभ तो जरूर मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा को नशा मुक्त बनाना हो या फिर प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कर्फ्यू डे हो, सीएम मनोहर लाल सामाजिक संदेश देने के लिए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। तभी तो नशे के खिलाफ जागरूकता को लेकर करनाल से शुरू की गई साइक्लोथॉन रैली हो या फिर प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कर्फ्यू डे हो, सीएम की इस कोशिश को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। हर मंगलवार कर्फ्यू डे मनाकर प्रदूषण कम करने का जो जिम्मा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनाया है, उसकी इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। वैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का सीधा जनता से संवाद और सामाजिक संदेश देने के तरीके का हर कोई कायल है, मगर इस बार जिस अंदाज में सीएम ने करनाल में कर्फ्यू डे पर एक अलग ही अंदाज में संदेश दिया, उस संदेश का हर कोई कायल हो गया। याद हो आपको कि वह घर से करनाल एयरपोर्ट पर बुलेट से पहुंचे थे, और उससे पहले ही सीएम ने बाकायदा हर मंगलवार को करनाल को कर्फ्यू डे घोषित करने की घोषणा की थी। आलम ये था कि सीएम के साथ साथ सभी सुरक्षा कर्मी भी बिना कार के ही एयरपोर्ट पहुंचे थे। दरअसल सीएम की कोशिश और कवायद ये है कि शहरों में ट्रैफिक को कम करने और भीड़ भाड़ को खत्म करने के लिए छोटे छोटे प्रयासों से सफलता हाथ लगेगी, इसलिए समाज को संदेश देने के लिए सीएम ने बुलेट पर सवार होकर आवाम को एक संदेश देने का काम किया। वहीं सीएम मनोहर लाल ने करनाल में 23 दिन पहले साइक्लोथॉन रैली को झंडी दिखाते हुए करनाल में मंगलवार को कर्फ्यू डे की घोषणा की थी। सभी सरकारी अधिकारी साइकिल से ही यात्रा करेंगे। अब इस घोषणा को करनाल में प्रशासनिक अधिकारी सख्ती से लागू कर रहे हैं। मैं एक सामाजिक घोषणा और करता हूं। अभी हमने देखा है कि आजकल व्यवसाय के तौर पर ऐसे स्थानों पर जो होटल हैं, खाने पीने की जगह हैं, मनोरंजन के स्थान हैं, वहां पर ये जो नशा करने के लिए हुक्का बार चलाए जाते हैं, अभी कुछ प्रदेशों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है, और मैं आज घोषणा करता हूं कि हाँ, इन नशे वाले जितने भी व्यवसायिक हुक्का बार हैं इनके ऊपर हरियाणा में प्रतिबंध लगाया जाएगा। एक विशेष बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, हम हरियाणा के प्राचीन संस्कृति के लोग भी हैं, ये जो गांव में परंपरागत हुक्के होते हैं, जो गांव के अंदर बहुत सामान्य तौर पर अपने चौपाड़ में अपने चारपाई पर बैठकर मुड्डे पर बैठकर हमारे बुजुर्ग जो हुक्का पीते हैं उसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। हुक्का माने जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इसमें नशे की चीजें डाल करके और युवकों को खराब करते हैं, तो ऐसे व्यवसायिक स्थानों के इस हुक्का बार के ऊपर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए, और ये मैं घोषणा करता हूं। ये जो साथी हमारे लगातार पुलिस विभाग के, लगता है आपने बता दिया इनको, ऐसा नहीं, बहुत छोटी सी घोषणा है कि इन सब साइक्लिस्ट जो लगभग 250 की संख्या में लगातार चले थे, इनको सबसे पहला तो आज के बाद 5 दिन की छुट्टी रहेगी। एक ही विषय, और इसी प्रकार
हमारे डीजीपी साहब आपको एक क्लास वन का सर्टिफिकेट भी देंगे कि आपने एक अभियान लिया है। ये जैसे हमने साइकिल चलाया, मैंने स्वयं भी बीच बीच में कुछ जगह पर साइकिल चलाने का थोड़ा एक प्रदर्शन किया, लेकिन जवानी में साइकिल बहुत चलाया है। जो साइकिल चलाएगा खास करके युवा वर्ग के लोग, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारियों से दूर रहेंगे। और भाई कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए स्कूटर कार के लिए जो पेट्रोल खर्चते हैं वो पेट्रोल की भी बचत होगी। इसलिए साइकिल चलाने का अभ्यास कैसे आगे बढ़े, इसके लिए घोषणा करता हूं कि हमारा जो HSVP डिपार्टमेंट है वो मकान बना के बेचता है, तो घोषणा करता हूं कि चाहे HSVP डिपार्टमेंट हो और चाहे कोई बिल्डर लाइसेंस लेके मकान बनाता है और वो मकान बेचता है, मकान बेचेगा, पैसे लेगा, सब करेंगे, लेकिन साथ में मकान की रजिस्ट्री के साथ उस घर के लिए एक साइकिल भेंट करेंगे, ये भी एक योजना में बता रहा हूं। साइकिलों का प्रचलन बढ़ना चाहिए, खास करके जिन कॉलोनियों में नई जगह पर हम ट्रैक बना सकते हैं वहां बनाने चाहिए। हाँ, कोई कहता मेरे यहां साइकिल है तो साइकिल ना दे करके उसको 3,000 रुपए की राशि ये वो भेंट करेंगे। यकीनन नशा मुक्त हरियाणा का संकल्प या फिर प्रदूषण मुक्त के लिए उठाया गया कदम, आज CM मनोहर का ये अंदाज हर किसी को अपना कायल बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा वॉइस में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।